ऐसा माना जाता है कि कुछ फूल परियों का ही रूप है, जैसे पहाड़ों में उगने वाले ब्रह्म कमल, कमल आदि। बहुत समय पहले परियां धरती पर आती थी। परियों को धरती की नदियां, झरने, तालाब और ऊंचे ऊंचे पर्वत बहुत अच्छे लगते थे, किंतु परियों की रानी धरती पर कभी नहीं आई। उसने अपनी बेटी को भी धरती पर कभी नहीं आने दिया। एक बार, धरती बहुत सुंदर है, किंतु धरती पर खतरे भी कम नहीं है। तभी से रानी परी ने ये निश्चय कर लिया था कि वह धरती पर कभी नहीं जाएगी। परियों की राजकुमारी अर्थात रानी परी की बेटी अपने साथ की परियों से हमेशा धरती की सुंदरता और धरती के लोगों के किस्से कहानियां सुना करती थी। हम धरती की नदियाँ, झीलों, तालाबों में खूब नहाते हैं और तरह तरह की जल क्रीड़ाएं करते हैं। परियों की राजकुमारी जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसकी धरती पर जाने की इच्छा बढ़ती गई। वो धरती पर आकर यहाँ के पहाड़, नदियाँ, झीलें, तालाब, झरने, पेड़ पौधे आदि देखना चाहती थी और अन्य परियों के समान इनका आनंद लेना चाहती थी। राजकुमारी, तुम अन्य परियों की बात सुनकर कभी धरती लोग जाने की मत सोचना। रानी परी ने धरती पर जाने वाली परियों का अपनी बेटी से मिलना पूरी तरह बंद कर दिया। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। कुछ समय तक वो रानी परी की बात मानती रही, पर धीरे धीरे उसने चुपचाप महल के बाहर निकलना और धरती पर जाने वाली परियों से मिलना आरम्भ कर दिया। मुझे उन लोगों से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन मुझे भी धरती लोक पर ले चलो ना, मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। अरे ना पापा ना, रानी परी के क्रोध से हमें बहुत डर लगता है। वो वापस अपने महल के बगीचे में आ गई और एक स्थान पर छिप गई। परियां धरती की ओर उड़ने के लिए तैयार थी। उसी समय राजकुमारी भी परियों के पीछे पीछे चल पड़ी। परियां आगे आगे उड़ती रही और राजकुमारी चुपचाप उनका पीछा करती रही। परियां जब धरती के बहुत पास आ गई तो अचानक परियों ने पीछे मुड़कर देखा। राजकुमारी को आते देखकर घबरा गई। हमें वापस जाना चाहिए, वरना ये हमारे पीछे पीछे धरती लोक तक आ जाएगी। मैं वापस परीलोक लौटकर नहीं जा सकती हूँ, बल्कि अकेले ही धरती लोक पर जाऊंगी। हम धरती लोक चलेंगे पर थोड़ी देर रुककर वापस आ जाएंगे। कुछ समय में सभी परियां धरती पर आ गई। वो एक सुनसान जंगल में बड़े से तालाब के किनारे उतरी थी। ये स्थान बहुत सुरक्षित था। यहाँ परीलोक की सभी परियां प्राय आती रहती थी। अरे वाह, ये जगह तो बहुत सुंदर है। मुझे अंदाज भी नहीं था कि धरती इतनी सुंदर होगी। सभी परियों ने अपनी राजकुमारी के साथ तालाब में स्नान किया, कुछ देर जल क्रीड़ा की और परीलोक वापस लौटने के लिए तैयार हो गई। मैं कुछ समय के लिए धरती पर ही रुकना चाहती हूँ, कुछ नए स्थान देखना चाहती हूँ। परियों ने अपनी राजकुमारी को बहुत समझाया, लेकिन जिद्दी राजकुमारी नहीं मानी। उन्हें राजकुमारी की बात माननी पड़ी। उसको बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ बहुत अच्छे लगे। उसका मन हो रहा था कि वो परीलोक ना लौटे और यही धरती पर रह जाए। ये धरती उतनी सुंदर नहीं है जितनी सुंदर तुम समझ रही हो। इस धरती पर बड़े बड़े राक्षस और देव दानव भी रहते हैं, जो बड़े खूंखार और खतरनाक होते हैं। तभी अचानक न जाने कहां से एक दानव प्रकट हो गया और अटहास करने लगा। दानव को देखते ही परियों के होश उड़ गए। वो अपनी अपनी जान बचाकर भागी। दानव ने राजकुमारी को देखा, आगे बढ़कर उसको अपने कंधे पर लादा और पहाड़ के पीछे आकर गायब हो गया। वृक्षों और पत्थरी की आड़ में छिपी परियां अपनी राजकुमारी को ले जाते हुए दानव को देखती रही। वो रानी परी के डर से अपनी राजकुमारी को धरती पर छोड़कर परीलोक नहीं लौट सकती थी। धरती पर राक्षसों और देव दानव के साथ ही वीर, साहसी और नेक इंसान भी रहते हैं। हमें ऐसे इंसान की प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसके सहयोग से अपनी राजकुमारी को मुक्त करना चाहिए। सभी को मिलकर ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए और राजकुमारी को मुक्त कराने का अनुरोध करना चाहिए। साधारण स्त्रियों के रूप में अगले दिन से ही हम किसी नेक इंसान की खोज करना आरंभ कर देंगे और जल्द से जल्द अपनी राजकुमारी को दानव से मुक्त कराने का प्रयास करेंगे। अचानक दोपहर के समय उस पहाड़ी जंगल से घोड़े पर सवार एक हट्टा कट्टा सुंदर युवक गुजरा।
उसे वही पास ही एक वृक्ष की आड़ में खड़ी परी ने देखा। मदद करो, हमारी मदद करो। परी की आवाज सुनकर घोड़े पर सवार युवक रुक गया। युवक घोड़े से नीचे उतरा और पैदल चलता हुआ परी के पास पहुंचा। तभी अन्य परियां भी आ गई। परियों ने अपनी राजकुमारी के अपहरण की पूरी कहानी उसे बता दी। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और आपकी सहायता अवश्य करूँगा। राजकुमार अपने राज्य के सभी क्षेत्रों से अच्छी तरह परिचित था। उसे दानव की पूरी जानकारी थी और ये भी मालूम था कि दानव कहाँ रहता है। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और एक और बढ़ गया। राजकुमार बड़ी तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाता रहा और कुछ समय बाद एक बड़ी नदी के पास पहुंच गया। इस नदी के किनारे अनेक बड़ी बड़ी गुफाएं थी। राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और एक गुफा के सामने आकर खड़ा हो गया। ये दानव की गुफा थी। गुफा के द्वार पर एक भारी पत्थर अड़ा हुआ था। इससे ये साफ था कि दानव अपनी गुफा में नहीं है। राजकुमार पत्थर हटाने का प्रयास करने लगा। पत्थर बहुत भारी था और टस से मस नहीं हो रहा था। अंत में उसे सफलता मिली। राजकुमार पूरी सावधानी के साथ गुफा के भीतर आ गया। राजकुमार ने गुफा के भीतर नजरें दौड़ाई। वहां जीव जंतुओं के अस्थि पंजरों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। लगता है दानव परियों की राजकुमारी को मार कर खा गया है। अचानक राजकुमार की नजर गुफा के एक अंधेरे कोने में खड़ी एक परी पर पड़ी। राजकुमार उसका हाथ पकड़कर बाहर आ गया। दानव के अत्याचार के कारण परी का रंग पीला पड़ गया था, किंतु इससे उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी। परी बहुत घबराई हुई थी। इस समय उसे राजकुमार एक देवदूत जैसे लग रहा था। राजकुमार ने परी को घोड़े पर बिठाया और स्वयं भी घोड़े पर सवार हो गया। राजकुमार का घोड़ा अभी 2-4 कदम भी आगे नहीं बढ़ा था कि न जाने कहां से दानव प्रकट हो गया और घोड़े के सामने खड़ा हो गया। राजकुमार घोड़े से नीचे उतरा, परी को सहारा देकर नीचे उतारा और तलवार लेकर दानव के सामने आ गया। यदि तुम मुझसे युद्ध करोगे तो बिना मौत मारे जाओगे, कोई मुझसे जीत नहीं सकता। राजकुमार ने दानव की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और मुस्कुराता रहा। राजकुमार की मुस्कुराहट से क्रोधित होकर उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर राजकुमार को पकड़ने की कोशिश की। राजकुमार सावधान था। उसने नीचे झुककर तलवार से दानव के हाथ पर वार कर दिया। अगले ही क्षण दानव का दाहिना हाथ जमीन पर पड़ा था। हाथ कटते ही दानव का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने चीखते हुए बाएं हाथ राजकुमार को पकड़ने के लिए बढ़ाया। राजकुमार ने अपनी तलवार से दानव का बायां हाथ भी काट डाला। इसी समय दानव का दाहिना हाथ हवा में लहराया और उसके शरीर से जुड़ गया। हाथ जुड़ते ही दानव ने जोरदार से ठहाका लगाया। ये तो मायावी है, इससे निपटना इतना आसान नहीं है। दानव की जान गुफा के भीतर पिंजड़े में बंद एक तोते में है, उसे मार दो तो दानव अपने आप मर जाएगा। दानव ने यह सुना तो राजकुमार को छोड़कर राजकुमारी पर झपटा। तुम मेरी चिंता मत करो, तोते के पास पहुँचो। राजकुमार गुफा की ओर भागा, दानव भी गुफा की ओर भागा और राजकुमार ने पिंजड़ा खोलकर तोते की गर्दन मरोड़ दी। तोते के मरते ही दानव जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और कुछ ही क्षणों में मर गया। राजकुमार ने राजकुमारी का हाथ पकड़कर उसे घोड़े पर बिठाया और फिर स्वयं घोड़े पर सवार होकर एक और चल पड़ा। राजकुमार जिस समय परियों के मिलने वाले स्थान पर पहुंचा, उसी समय कुछ घुड़सवार सैनिक उसके सामने आए। ये सभी राजकुमार के सैनिक थे जो राजकुमार के महल में वापस ना लौटने के कारण उसकी खोज में निकले थे। परियों को इन सैनिकों ने बंदी बना लिया था। राजकुमार की आज्ञा से परियों को सैनिकों ने अपने अपने घोड़े पर बिठाया और महल आ गए। राजकुमार के साथ परियों की राजकुमारी भी थी। राजकुमार ने परियों की राजकुमारी सहित सभी परियों को अपने महल में राजसी ठाट बाट से रखा और उन्हें अपने राज्य की सुंदर सुंदर झीलों, नदियों और वनों की सैर कराई। वास्तव में वो परियों की राजकुमारी को हृदय से चाहने लगा था और चाहता था कि वो उसके साथ विवाह कर ले।
परियों और अपनी बेटी के ना लौटने के कारण परी लोक की रानी बहुत चिंतित थी। उसने कुछ समय तक तो प्रतीक्षा की और उसके बाद अपने मैजिकल ग्लोब में सबको देखकर रानी परी ने ये मालूम कर लिया था कि उसकी बेटी और अन्य परियां धरती पर कहाँ है। रानी परी सीधी राजकुमार के महल के बगीचे में पहुंची। सभी परियों को अपने अपने साथी के साथ देखकर रानी क्रोधित हो गई और वापस चलने का आदेश दिया, लेकिन परियों ने अपने अपने सिर नीचे कर लिए और अपने अपने साथी का हाथ पकड़ लिया। रानी परी ने सभी को बहुत समझाया, लेकिन उसकी बेटी सहित सभी परियों ने परीलोक लौटने से साफ इनकार कर दिया। रानी परी ने अपनी बेटी को शाप देकर ब्रह्म कमल बना दिया और उसकी साथी राजकुमार को कमल का फूल बना दिया। इसके साथ ही उसने अपने परियों और उसके साथी सैनिकों को भी तरह तरह फूल में बदल दिया और दुखी हृदय से परीलोक लौट आई। तभी से धरती पर ये परियां फूलों के रूप में रहती है। सविता अपने पति चंदन और दो बच्चों के साथ रहती थी। सविता का पूरा समय बच्चों को संभालने में ही चला जाता था और जो थोड़ा बहुत समय बचता उसमें घर का सामान लाने और खाना बनाने में चला जाता था। सविता को अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता था। एक दिन सविता को सहेली मीरा सविता से मिलने आती है। अरे ओ सविता, तेरा तो कुछ ही पता नहीं चल रहा कहाँ रहती है, कभी हमें भी खबर दे दिया कर। क्या बताऊँ, मैं तो घर के कामों में ही व्यस्त रहती हूँ, किसी से मिलने जुलने का वक्त कहाँ मिलता है। अरे वक्त निकालोगी तभी तो वक्त मिलेगा, मैं कल आती हूँ फिर बाजार चलेंगे। अच्छा ठीक है। सविता अपने पति चंदन से इस बारे में बात करती है। वो आज मेरी सहेली मीरा आई थी, कह रही थी कल बाजार चलने के लिए। अरे मगर बच्चों को स्कूल से कौन लाएगा। हाँ वही मैं सोच रही थी, अगर हो सके तो कल ही आप बच्चों को स्कूल से ले आते तो अच्छा होता। अच्छा अब कल का कल देखते हैं। अगले दिन मीरा वापस से सविता के घर आती है। अभी चंदन घर पर ही था। अरे सविता तो तैयार है ना बाजार चलने के लिए। रुको रुको मैं इन्हें बताकर आती हूँ। तभी चंदन कमरे से बाहर आता है। अरे ठीक है तुम जाओ बाजार, मैं बच्चों को ले आऊंगा स्कूल से। चल सविता अब तो कोई बात ही नहीं, चल बाजार चलते हैं। मीरा और सविता बाजार चली जाती है। इसी तरह अब मीरा और सविता अक्सर साथ में बाजार जाने लगती है। अरे सविता मुझे बहुत भूख लगी है, चल नूडल्स खाते हैं। सविता ने कभी नूडल्स नहीं खाया था। ये नूडल्स क्या होते हैं? अरे चल ना मैं बताती हूँ। सविता और मीरा नूडल्स खाते हैं। नूडल्स बहुत स्वादिष्ट थे इसलिए सविता ने अपने बच्चों के लिए भी नूडल्स पैक करवा लिया। बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। सविता अपने बेटे और बेटी कुसुम को नूडल्स देती है। माँ ये नूडल्स तो बहुत स्वादिष्ट है सच में। हाँ हाँ मैं आज पहली बार खाई तो मुझे अच्छी लगी इसलिए तुम लोगों के लिए भी ये ले आई। माँ पता है क्लास में कभी कभी मेरे दोस्त यही लेकर आते हैं, आप भी कभी बनाकर देना हमें। ठीक है बेटा मैं इसे बनाना सीख लूंगी। सविता नूडल्स बनाना सीखने लगती है और जब भी नूडल्स वाले के पास जाती तो सब सामान देखती और ये भी देखती कि वो कैसे बना रहा है। सविता जल्दी ही स्वादिष्ट नूडल्स बनाना सीख लेती है और बच्चों को देती है। माँ ये नूडल्स तो सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं, बाजार के नूडल्स से भी ज्यादा स्वादिष्ट। हाँ माँ मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद आया। चल ठीक है मगर हाँ कभी कभी नूडल्स बनाकर दे दिया करूंगी, हर रोज नहीं। इधर बहुत महीने गुजर गए लेकिन मीरा सविता से मिलने नहीं आ रही थी। पता नहीं मीरा कहाँ है, कोई खबर ही नहीं मिल रही, शायद काम में व्यस्त होगी, समय मिलेगा तो खुद ही आ जाएगी। एक दिन मीरा सविता से मिलने आई और आते ही रोने लगी। अरे मीरा क्या हुआ, तो क्यों रो रही है, सब ठीक है ना? नहीं सविता अब तो कुछ भी ठीक नहीं, सब बिगड़ चुका है। अरे क्या हुआ पूरी बात तो बता। कुछ नहीं, पहले ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उसी वक्त उनकी मृत्यु हो गई। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान ये क्या हो गया, तू हौसला रख हम सब तेरे साथ हैं। मीरा अक्सर सविता के घर आने लगी और पूरा समय सविता के घर पर ही बिताने लगी। सविता
कुछ रिश्तेदार बहुत समय से मुझे बुला रहे हैं। अब सोच रही हूँ वहीं चली जाऊँ। आखिर कब तक तुझे परेशान करूँगी? अरे नहीं नहीं मीरा, तू मुझे परेशान नहीं कर रही, ये सब मत सोच। तू अपना ख्याल रखना, अब मैं कल से यहाँ नहीं आऊँगी। मीरा सविता के घर आना बंद कर देती है। सविता अपने घर के कामों में लग जाती है। चंदन सविता और बच्चों को मेला घुमाने ले जाता है। पापा, आज तो बहुत मजा आया। हाँ ये देख, मेरी डॉल कितनी प्यारी लग रही है। इधर कुछ दिनों से चंदन बहुत देर से घर आ रहा था। क्या बात है, आजकल आपको घर में आने में बहुत देरी हो जाती है? हाँ, काम की वजह से थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाता है। एक रात चंदन घर वापस नहीं आया। सविता बहुत परेशान हो गई। चंदन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन चंदन नहीं मिला। कई महीने बीत गए, लेकिन अब भी चंदन घर नहीं आया। सविता ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। हे भगवान, ये पता नहीं कहाँ है, कैसे है, सब ठीक है ना? मेरे पास तो पैसे भी नहीं, मैं घर कैसे चलाऊंगी? बच्चों की पढ़ाई भी है, अब अकेले कैसे करूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। सविता ने आज तक कभी कोई काम करके पैसे नहीं कमाए थे। शादी के बाद उसका काम केवल घर और बच्चों को संभालने का था। पैसे कैसे कमाना है, ये सविता को नहीं आता था। बच्चों, स्कूल वाले तो हर रोज पैसों की मांग कर रहे हैं। मेरे पास तो इतने पैसे बचे ही नहीं जिसमें मैं बच्चों के स्कूल की फी भी भरूं। फी ना भरने की वजह से कुछ ही दिनों बाद बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। सविता काम की तलाश में निकल पड़ती है। तभी उसकी नजर नूडल्स की दुकान पर पड़ती है। अरे हाँ, नूडल्स खाने तो बहुत लोग आते हैं, क्यों ना मैं भी नूडल्स बनाकर बेचना शुरू कर दूं? पैसे तो आ ही जाएंगे। सविता के पास जो गहने थे उन्हें गिरवी रखकर सविता पैसे लेती है और उसी से नूडल्स का छोटा सा दुकान खोलती है। सविता बहुत स्वादिष्ट नूडल्स बनाया करती थी। सभी लोग सविता के दुकान पर नूडल्स खाने आने लगते हैं। सविता पैसे कमाना शुरू कर देती है। नूडल्स बेचकर सविता जितने पैसे कमाती थी उसी से घर चलता था। सविता के नूडल्स खाने दूर दूर से लोग आने लगते हैं। सविता अपने बच्चों को वापस से स्कूल भेजने लगती है, मगर अभी सविता चंदन को याद किया करती थी। पता नहीं ये कहाँ चले, कभी हमारे पास आएंगे भी या नहीं। मम्मा, पापा कब आएंगे? अब तो बहुत समय हो गया, उनका काम खत्म नहीं हुआ क्या? नहीं बेटा, अभी उनका काम नहीं हुआ है और समय लगेगा। तुम लोग बोलो क्या चाहिए, मैं दिलवा देती हूँ। नहीं माँ, हमें तो पापा ही चाहिए और कुछ नहीं। ये सुन सविता दुखी हो जाती है और सोचती है, मैं इन्हें इनके पापा लाकर कैसे दूं? मुझे तो खुद ही नहीं पता वो कहाँ हैं और किस हाल में है। एक दिन जब सविता अपना दुकान बंद करके घर वापस आ रही थी, तभी वो देखती है कोई उसके दुकान के पास बेहोश पड़ा हुआ है। अरे आप कौन है, ठीक तो है ना? वो आदमी नशे में था। उसे देख कर सविता डर जाती है। ये कौन है, नशे की हालत में लग रहा है, एक काम करती हूँ, इसे यही सोने देती हूँ, सुबह तक तो खुद ही चला जाएगा। अगली सुबह जब सविता दुकान पर आती है तो देखती है अब भी वो आदमी दुकान के पास ही है। आप कौन है और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम प्रमोद है, मेरे बड़े भैया ने सारी संपत्ति ले ली है और मुझे घर से निकाल दिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये आपकी दुकान है क्या, मुझे यहाँ कुछ काम मिलेगा? हाँ दुकान तो मेरी है, मगर ऐसे कैसे किसी को भी दुकान पर रख लूँ, मैं तो आपको जानती भी नहीं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस भोजन दे दीजिएगा बस, और मैं तो यहीं दुकान पर ही सो जाऊंगा। सविता मान जाती है और उसे काम पर रख लेती है। प्रमोद बहुत अच्छा इंसान था, बस उसके घर वालों ने उसके साथ जो किया था इसलिए वो नशे करने लगा था। काम में मन लगते ही प्रमोद नशा करना छोड़ देता है और काम में सविता की मदद किया करता था। आज यहाँ बहुत काम है, एक काम कीजिए, आप बच्चों को स्कूल से ले आइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। प्रमोद बच्चों से घुल मिल गया था, बच्चे भी प्रमोद को पसंद करने लगे थे। एक दिन प्रमोद सविता से शादी की बात करता है। क्या आप मुझसे शादी करोगी, मैं बच्चों से बहुत जुड़ गया हूँ,
मैं हमेशा उनकी देखभाल करना चाहता हूँ, अगर आप चाहे तो। नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति अभी हैं, मगर वो जरूर आएंगे। आप केवल काम पर ध्यान दीजिए। जी ठीक है। एक दिन एक पंडित जी सविता की दुकान पर आते हैं। सविता उन्हें नूडल्स खिलाती है और सारी समस्या बताती है। अब आप ही बताइए, मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरे पति कहाँ है? सुनो बेटी, थोड़े नूडल्स लेकर आओ एक प्लेट में। सविता नूडल्स एक प्लेट में लेकर आती है। पंडित जी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं। ये लो, हर भटके को रास्ता मिलेगा इससे। मैं कुछ समझी नहीं। ये जादुई नूडल्स हैं। तुम बाहर जाना और इस नूडल्स को खाना। जैसे ही इसे थोड़ा खाओगी और उस आदमी के बारे में सोचोगी जिसके पास जाना है, तो अपने पास ही तुम्हारे पैर उस रास्ते पर जाने लगेंगे। सविता वैसे ही करती है। थोड़ा नूडल्स खाती है, बस उसके पैर अपने आप ही आगे बढ़ने लगते हैं। फिर एक घर के पास आकर रुकती है। इसका मतलब मेरे पति यहाँ है। सविता देखती है चंदन वही है, और थोड़ी देर बाद मीरा बाहर आती है। पता है चंदन, अच्छा किया हम यहाँ आ गए। अब सविता को कभी हमारे बारे में पता भी नहीं चलेगा। ये देख सविता की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सविता बिना कुछ बोले तुरंत वहाँ से वापस अपनी दुकान पर आती है। सुनिए प्रमोद जी, चलिए मंदिर चलिए। क्यों, क्या हुआ? मुझसे आपसे आज ही शादी करनी है, चलिए। ये सुन प्रमोद हैरान रह जाता है। सविता और प्रमोद की शादी हो जाती है। बच्चों को माँ के साथ साथ पिता का प्यार भी मिलने लगता है। और अब सविता चंदन के बारे में भूल जाना चाहती थी। वो काम पर ध्यान देने लगती है और धीरे धीरे सविता और प्रमोद मिलकर छोटी सी नूडल्स की दुकान को एक बहुत बड़ी दुकान में तब्दील कर देते हैं। राजा वीर मणि सिंह के राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। राजा बहुत दान पुण्य करते थे। उनके राज्य में संत महात्माओं की भीड़ लगी रहती थी। जगह जगह से साधु संत आकर उनके यहाँ रहते थे। धर्म के नाम पर उनसे कोई कुछ भी मांग लेता तो वो इनकार नहीं कर पाते थे। एक बार एक महात्मा जी आए जो राजा के यहाँ अक्सर आया करते थे। हे राजन, हम एक मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। यदि राजकोष से कुछ मदद मिल जाती तो मंदिर का काम जल्दी पूरा हो जाता। महात्मा जी, ये तो बहुत ही नेक कार्य है। आप जितना चाहे उतना धन मंदिर के लिए ले जा सकते हैं। महात्मा जी शाही खजाने से धन लेकर चले गए। राजा वीर मणि सिंह का एक ही पुत्र था जिसका नाम भरत था। राजकुमार भरत का अपने पिता की दानवीरता के कारण कभी कभी मतभेद भी हो जाता। पिताजी, आपने कभी ये सोचा है कि ये लोग जो धन दौलत लेकर जाते हैं उसका सही उपयोग होता भी है या नहीं? धर्म के नाम पर यदि कोई मुझे धोखा देता है तो उस पाप का भागीदार वो होगा, मैं नहीं। मुझे ही इसके बारे में कुछ सोचना होगा। राजकुमार को आखेट का बहुत शौक था। एक बार जंगल में शिकार ढूंढते हुए वो बहुत आगे निकल गए। अचानक उनकी नजर एक बहुत सी फुर्तीले और हट्टे कट्टे हिरन पर पड़ी। हिरन के पीछे भागते हुए राजकुमार भरत ने उस पर निशाना साधा और तुरंत तीर चला दिया। राजकुमार भरत का निशाना थोड़ा सा चूक गया और तीर उस हिरन के पैर में लग गया। तीर लगते ही हिरन तड़प कर, हे राजकुमार, अपनी क्षणिक खुशी के लिए हम बेजुबानों की हत्या करके तुम्हें क्या मिलेगा? मारना ही है तो बुराई और बुरे कर्म करने वाले को मारो, जिससे धरती का कुछ तो बोझ कम होगा। इंसानों की भाषा बोलने वाले कौन हो तुम? आज तक मैंने किसी पशु को बात करते हुए नहीं सुना। पहले मुझे पानी पिला दो, बहुत रक्त बह जाने से मेरा गला सूख गया है। राजकुमार भरत तुरंत पास की नदी से पानी लेकर आया और हिरन को पिला दिया। उसके पैरों में लगा तीर बड़ी सावधानी से निकाल दिया। तीर निकलते ही हिरन उठ खड़ा हो गया। नदी के किनारे एक आश्रम है, मैं वहीं रहता हूँ। राजकुमार और हिरन जल में आश्रम की तरफ चल पड़े। राजकुमार, ये आश्रम एक ऋषि का है, पर अब वो यहाँ नहीं रहते, कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी। कौन थे वो लोग, तुमको कुछ पता है? मैं उन हथियारों का पता लगाने ही जंगल में गया था जिन्होंने महर्षि को मार दिया। कहते कहते उसकी आंख भर आई। तुम अपने आंसुओं को इस तरह मत गिरने दो, अब मैं आ गया हूँ। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही होगा। आश्रम पहुँच कर,
ये तो बहुत खूबसूरत जगह है। आश्रम हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ है, चारों तरफ फल और फूलों की सुगंध ही सुगंध है। तुम उदास मत हो, एक बार मुझे उनका पता चल जाए तो मैं उनको दंड जरूर दूंगा। मुझे उनका पता बता दो। राजकुमार, अभी तो दोपहर हो गई है, आप कुछ खा पी लीजिए और विश्राम कीजिए, रात होते ही हम उस तरफ चल पड़ेंगे। ओ, यहाँ खाने के लिए कुछ है? आश्रम के पीछे ही एक बहुत बड़ा बगीचा है। बगीचे में ऋषि वर ने तरह तरह के पेड़ लगाए थे, उनमें बहुत से फल हैं। आप चाहे तो वो फल खाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं। राजकुमार जब बगीचे में गया तो फलों से लदा इतना खूबसूरत बगीचा देखकर हैरान रह गया। छोटे छोटे खरगोश और गिलहरियां इधर से उधर दौड़ रहे थे। इतना खूबसूरत बगीचा तो शाही राजमहल का भी न था। राजकुमार भरत ने कुछ फल तोड़े और लेकर आश्रम में लौट आया। रात गहराते ही हिरन आ गया। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुआ और हिरन के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक घने वृक्ष के नीचे आग और मसालों की जलती हुई रोशनी दिखाई दी। ठहरिए राजकुमार, ये देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे प्रिय महर्षि को जान से मार दिया था। ये सबसे बड़े पशु है, इनके अत्याचार से कितने बेगुनाह मौत के मुंह में चले जाते हैं। इन्होंने ही एक पाखंड महात्मा के कहने पर हमारे ऋषि को मार दिया था। आप अपने तीर से इनका वध करेंगे तो शायद आपको कोई पाप नहीं लगेगा। राजकुमार ने धनुष उठाया और एक साथ कई तीर चलाकर उन हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया। ठहरिए राजकुमार, मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। वो लोग आगे बढ़े तो एक कच्ची सड़क दिखाई पड़ी जो कि एक बस्ती की तरफ जा रही थी। राजकुमार, आप उस वृक्ष पर चढ़कर देखिए, वहाँ एक और भी भयानक पशु रहता है जिसके आदेश से ना जाने कितने बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। राजकुमार वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। एकाएक सामने वाले घर का द्वार खुला। कमरा रोशनी से भरा हुआ था। बीच में एक हृष्टपुष्ट व्यक्ति बड़ा सा तिलक लगाए, जो कि कोई महात्मा मालूम पड़ रहा था, बैठा हुआ था। ये क्या, ये महात्मा जी तो शाही खजाने से हमेशा धर्म के नाम पर न जाने कितने पैसे लेकर जाते हैं। धर्म की आड़ में इतना भ्रष्टाचार। थोड़ी देर बाद ही वो कक्ष एक रंगशाला में बदल गया। संगीत बजने लगा और अप्सराओं जैसी नर्तकियां थिरकने लगी। मदिरा पान का दौर भी शुरू हो गया। राजकुमार का खून खौल उठा, उनका हाथ अपनी धनुष पर चल गया। यह वही पाखंडी महात्मा है जिसने हमारे ऋषि के आश्रम पर हमला करवाया था। हमलावरों को आप पहले ही मार चुके हैं। शायद इसको पता था कि हमारे ऋषि बहुत ज्ञानी हैं, और जैसे ही राजा को इसका पता चलेगा, राजा इसे धन दौलत देना बंद कर देंगे। राजकुमार, आप यदि शिकार ही करना चाहते हैं तो इनका शिकार करिए। ऐसे पाखंडियों से धरती को मुक्त कराकर आपको महान पुण्य मिलेगा। ये नाम के लिए संसार का त्याग कर चुके हैं। सीधे साधे मनुष्य इन पर विश्वास करते हैं, और ये महात्मा गेरुआ वस्त्र धारण करके सीधे साधे लोगों का रक्त पीते हैं। अब मैं समझ गया कि मैंने बेकसूर पशुओं को मारकर अपने जीवन में कितने पाप किए हैं। असली पशु तो ये है। उन्होंने अपना धनुष उठाया और तीर चला दिया। तीर सीधा तथा कथित महात्मा जी के सीने में लगा और वो मूर्छित होकर गिर पड़े। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो सोचता था हमारी प्रजा बहुत सुखी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में चलकर मेरे पिता से सारी बातें बताओ, जिससे वो ऐसे पाखंडी साधु संतों के रूप में छिपे हुए लोगों पर अंधविश्वास करना छोड़ दें। परंतु महाराज, उससे पहले मैं आपसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। आपको भी अपने भीतर बदलाव लाना होगा। तुम अपनी बात अवश्य कहो। राजकुमार, परमात्मा ने आपको अपनी सृष्टि पर राज करने के लिए भेजा है। आपका धर्म है कि आप प्रजा की रक्षा करें। दिल पशुओं का वध करने में कोई बहादुरी नहीं है। सच्चा साहस और सच्ची बहादुरी दिल दुखियों की रक्षा और उनकी सहायता करने में है। जो मनुष्य केवल अपने आमोद के लिए जीव हत्या करता है, वो निर्दयी है। राजकुमार का सिर शर्म से झुक गया। हमें क्षमा कर देना, मैंने आज तक आखेट सिर्फ अपने आमोद के लिए ही किया है। ऐसी शिक्षा मुझे आज तक किसी ने नहीं दी।
आज के बाद मैं मुख्य प्राणियों का आखेट कभी नहीं करूंगा। बाद वो लोग राजमहल में आ गए। राजा को जब सारी बातें पता चली तो आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। राजकुमार, तुमने जो किया ठीक किया। आज से ये राजगद्दी तुम संभालो। अपना जीवन भगवत गीता में लगाना चाहता हूँ, परंतु मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये हिरण इतनी ज्ञान की बातें कैसे कर सकता है। हे राजन, मैं जंगल में रहने वाली एक आदिवासी लड़की थी। एक बार दूसरे कबीले के लोग मुझ पर बुरी नजर रखने लगे उन्होंने मेरा पीछा किया। मैं ऋषि के आश्रम में चली गई। कौन हो तुम? सारी बातें ऋषि को ज्ञान होने पर उन्होंने मुझे हिरण के रूप में बदल दिया। कबीले वाले आए थे पर मुझे आश्रम में ना पाकर वापस चले गए। अगर वो लड़की आपके आश्रम के आसपास दिखाई दिया तो रोक कर रखिएगा, हम उसे ले जाएंगे। उनके जाने के बाद तुम हिरण के रूप में ही सुरक्षित हो। जब तुम्हें तुम्हारी पसंद का कोई व्यक्ति मिल जाएगा तब तुम अपने असली रूप में आ जाना। मैं पिछले 6 सालों से हिरण के रूप में ही आश्रम में ज्ञानी की बातें सिखा रही हूँ। क्या तुम्हें अपना मनपसंद व्यक्ति मिल गया? हिरण ने 2 कलूचे भरी और वो एक खूबसूरत लड़की में बदल गया। तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। राजकुमार भरत का राज्य अभिषेक हो गया और गरीब आदिवासी लड़की से उनका विवाह हो गया।